कि दोस्तों आप एफिलिएट स्टूडियो मोबाइल ऐप यूज करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर बहुत लोगों को कमेंट आया है कि दोस्तों मेरा यहाँ पर एफिलिएट स्टूडियो में सॉन्ग नहीं जा पा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सॉन्ग आया है इस प्रकार से जैसे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि दोस्तों एफिलिएट स्टूडियो मोबाइल ऐप में दोस्तों आप कैसे सॉन्ग को, या दोस्तों जो डीजे सिंपल पैक होता है उसको दोस्तों कैसे आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को यही बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों आप लोग को बताता हूँ कैसे दोस्तों आप एफिलिएट स्टूडियो मोबाइल ऐप में अपना सॉन्ग को कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे में दोस्तों मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सुन करके मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सॉन्ग बज रहा है यहाँ पर, इस पर दोस्तों कैसे आपको ऐड करना हो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो फर्स्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट में दोस्तों आपको फाइल ओपन करना होगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अपना फाइल ओपन कर, जैसे दोस्तों मैं अपना मोबाइल में फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सॉन्ग ऐड करने में दोस्तों आपको फाइल ओपन करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है आपका, जो स्टोरेज है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी दोस्तों आपका सॉन्ग है, जहाँ पर भी आप डाउनलोड करके रखे हैं जो भी फाइल में, उसको दोस्तों आपको कॉपी करना हो। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक सॉन्ग लेता हूँ, जैसे बिडमेंट में क्लिक करके यहाँ पे देखिए डाउनलोड पर मैं क्लिक कर दे, कोई भी एक मैं यहाँ पर दोस्तों सॉन्ग ले लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए सॉन्ग है मेरा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पर या दोस्तों कट पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पर क्लिक कर दे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फोन स्टोरेज है यानी दोस्तों आपको इंटरनल मेमोरी कार्ड है, उस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फाइल मिलेगा आपको, FLM यूजर फाइल आपका दोस्तों एफिलिएट स्टूडियो मोबाइल में इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर इस प्रकार से फाइल आ जाएगा, FLM यूजर फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए माई रिकॉर्डिंग के नीचे यहाँ पे देखिए एक फाइल मिलेगा आपको माई सिंपल, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फोल्डर बना, जो भी दोस्तों आपको मतलब सॉन्ग को नाम रखना चाहते हैं या दोस्तों फोल्डर बना कर रखना चाहते हैं, दोस्तों आपको यहाँ पे फोल्डर बना लेना होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों कोई भी फोल्डर बना लेना होगा। तो मैं ऑलरेडी एक यहाँ पर फोल्डर बना कर रखा हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सॉन्ग ऐड, ठीक है, ई फोल्डर में इस फोल्डर में मैं इसको पेस्ट करूंगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, एफिलिएट स्टूडियो ओपन करना होगा आपको। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं न्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, न्यू यहाँ पर इंपोर्ट में कर देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्लस पे आपको क्लिक करना है सॉन्ग ऐड करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑडियो क्लिप का ऑप्शन दिया, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों माई फाइल पर क्लिक करना फर्स्ट नंबर पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका फाइल में हो, जैसे दोस्तों मेरा यहाँ पर फाइल था क्या था नाम, यहाँ पर सॉन्ग ऐड, ठीक है, उस पर क्लिक करना है और दोस्तों आपका यहाँ पर सॉन्ग आ जाएगा। इसके इसके बाद दोस्तों इस सॉन्ग पर क्लिक कर देंगे आपका दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर सॉन्ग ऐड हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सॉन्ग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अपना मोबाइल में सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं, और दोस्तों सिंपल पैक को जो डीजे वॉइस यहाँ पे दोस्तों की कोई भी दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एफिलिएट स्टूडियो मोबाइल ऐप में ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।